नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे ईजाद की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। सैनिक वेलफेयर दफ्तर श्रीनगर में अग्निपथ स्कीम के मुतालिक वर्कशॉप का इनकार। जम्मू में डिजिटल हफ्ते के तहत तकरीब का अहतमाम। नशे में मुब्तला अफराद के लिए श्रीनगर में इलाज व बहाली मरकज फ़ाल। अनंतनाग में वाटर टैंक ज़ेर तामीर, दर्जनों देहात होंगे मुस्तफीद। राजौरी के कंडी इलाकों में खवातीन बन रही हैं हुनर से बाइख्तियार। जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को फौज में भर्ती और उन्हें मौका फराहम करने के मकसद के तहत अग्निपथ स्कीम के ताल्लुक से नौजवानों में बेदारी पैदा करने के लिए श्रीनगर में इंतजामिया की जानिब से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में तहरीरी इम्तहान, जिस्मानी इम्तहान और अग्निपथ स्कीम की दीगर नुमाया खसूसियात को उजागर किया गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अग्निपथ स्कीम के ताल्लुक से नौजवानों में बेदारी पैदा करने के लिए सैनिक वेलफेयर दफ्तर में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद जिला इंतजामिया श्रीनगर ने किया था। वर्कशॉप में तहरीरी इम्तहान, जिस्मानी इम्तहान और अग्निपथ स्कीम की दीगर नुमाया खसूसियात को उजागर करने पर तवज्जा मरकूज की गई। आज यहाँ पे वर्कशॉप हुआ था अग्निवीर अग्निपथ के रिलेटेड। जो भी अग्निपथ के रिलेटेड जिनके भी जहन में कोई गलत फहमी ऐसी ये क्यों किया गया, आज यहाँ पे वो सब डाउट्स क्लियर किए। इन्होंने आज सिखाया कि अग्निवीर में जाके आप क्या क्या कर सकते हो, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो वो ये ऑल अबाउट इन्होंने बताया आज यहाँ। अग्निपथ स्कीम ऐसी इख्तराई स्कीम है जो मुसल्लह अफवाज को इस्तेहकाम बख्शेगी। इस स्कीम के तहत इस साल 46,000 से ज्यादा नौजवानों को भर्ती किया जाएगा। फौजी अफसरान ने अग्निपथ स्कीम की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अग्निपथ स्कीम की अमल आवरी में हिस्सा लें और कौम की तामीर व तरक्की और इसके तहफ़्फ़ुज़ में अपना हिस्सा डालें। बॉयज ऑफ एज आर इन ड्रग्स और इन्वॉल्वड इन ड्रग्स। सर ऐसी बुरे कामों में स्मगलिंग करते ड्रग्स की, ऐसी सर हम इससे हम एक अच्छा रूट क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए। सर नो मैटर व्हाट, ओनली दिस इज फॉर 4 years, बट व्हेन वी विल कम बैक फ्रॉम देयर वी विल बी अ गुड सिटीजन, विल बी अ गुड पर्सन। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि 4 साल की मुद्दत पूरी होने पर अग्निवीर नज़्म-ओ-ज़ब्त, मुतहरिक और जिम्मेदार शहरी के तौर पर मुआशरे में जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अग्निपथ स्कीम का मुआशरे पर अहम और मस्बत असर पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई मेजर चेंज आती है उसका आपको एक लॉन्ग टर्म विजन में, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत होती है। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो ये स्कीम वाकई ही एक बहुत मैं कहूँगा एक रेवोल्यूशनरी स्कीम है, जिससे बहुत ज़्यादा नंबर में नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और नौजवान तैयार होंगे हमेशा के लिए मुल्क की सेवा करने के लिए। वर्कशॉप में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद, जो कि जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड के सदर भी हैं, इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। वर्कशॉप में फौज के सीनियर अफसरान और जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस श्रीनगर के एहलकार और बड़ी तादाद में एनसीसी कैडेट्स और नौजवान भी मौजूद थे। डिजिटल हफ्ते के तहत जम्मू में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत ने टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को अवामी बहबूद के फ़वाइद आसानी से फराहम करने के लिए कई इख्तराई डिजिटल इक़दाम को मुल्क के लोगों के लिए वक्फ किया। डिजिटल जम्मू कश्मीर हफ्ते के तहत जम्मू में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। डिजिटल जम्मू कश्मीर के नजरिए को अमली जामा पहनाने के लिए मुतारिफ कराई गई डिजिटल इस्लाहात के तहत हुकूमत ने पिछले 2 सालों में डिजिटल शमूलियत के लिए एक साजगार माहौल पैदा करने की कोशिश की है। जम्मू के लोगों को सब लोगों का बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा मैंने कहा पब्लिक सर्विस डिलीवरी एफिशिएंट और होती है, लोगों को जाना आना नहीं पड़ता है, लोगों के ऑफिशियल्स के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों को अडॉप्ट करने में और बेहतर और परफेक्ट होने में कुछ समय लगता है, क्योंकि ये एक थोड़ा बिहेवियरल चेंज एलिमेंट भी इनमें होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अडॉप्ट करें, इसको अपनाएं और एक ओपन माइंड से अपनाएं। जम्मू कश्मीर में हुकूमती प्रोग्रामों और शहरियों की ज़रूरियात के दरमियान खलीज खत्म करने के लिए डिजिटल खानदगी को फ़रोग दिया गया। जम्मू कश्मीर जिद्दत, नफाज और शमूलियत के जरिए डिजिटल इकदामात में बेमिसाल मयारात कायम कर रहा है और डिजिटल इंडिया मुहिम में आगे बढ़ रहा है। आज हमें ये मौका मिला है कि हम इस लेवल पर आके इस फंक्शन को अटेंड करें। यहाँ आके हमने देखा है, यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने सबने अपने आप को बड़ा शो किया है कि किस तरह से हर डिपार्टमेंट में हर सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। जो जो हमारे डिपार्टमेंट्स में लैक्स कमियाँ थी, सब कुछ था कि जो काम हमें थोड़ी टाइम से होते थे, इस डिजिटल होने की वजह से सारे काम टाइम टू टाइम हो जाते हैं। ई गवर्नेंस में जम्मू कश्मीर की दर्जाबंदी में पहले नंबर पर है। ई-ऑफिस, बीईएमएस, अवाम की आवाज, माई गवई, आंध, डिजी लॉकर, आपकी जमीन आपकी निगरानी जैसे इकदामात ने गवर्नेंस में शफाफियत और जवाबदेही लाई है और लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां लाई हैं। एक्चुअली पहले क्या होता था, लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती थी, हम डिपार्टमेंट्स में जाते थे, उधर ऑफलाइन सारा देखते था। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया हुआ है, ऑनलाइन अवेयरनेस है। अब मैं इधर आई हूँ, मैं जिस भी डिपार्टमेंट की मुझे कन्फ्यूजन होगी, जैसे एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, मुझे किसी का भी जानना है, मैं उधर स्टॉल लगे हुए हैं, मैं उधर जाके पूछूँगी, वो मुझे अच्छे से गाइड कर रहे हैं। फिर मैं ऑनलाइन सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी आने जाने की। हुकूमत का बुनियादी मकसद तमाम सरकारी खिदमात को इंसानी मुदाखलत के बगैर लोगों तक आसानी से काबिल रसाई बनाना है। नशे की रोकथाम और इसमें मुब्तला अफराद की बहाली के लिए श्रीनगर में एक गैर सरकारी तंजीम ने मरकज कायम किया। इस इलाज व बहाली सेंटर में स्क्रीनिंग और मेडिकल टेस्ट समेत दीगर सहूलियात दस्तियाब हैं और मरीजों को इलाज के साथ साथ दीगर मुस्बत सरगर्मियाँ फराहम की जा रही हैं। पेश है इस सिलसिले में यह खास रिपोर्ट। एक गैर सरकारी तंजीम ने आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुलहुकूमत श्रीनगर में मनशियात की लत में मुब्तला नौजवानों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के मकसद के तहत ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी इलाजो बहाली मरकज बराए मनशियात आदि अफराद कायम किया है। रिहेबिलिटेशन सेंटर के तरीक़ेकार के लिए इस मरकज का नाम दी ग्रोमिंग कश्मीर रखा गया है। देखिए अभी इस टाइम पे सिचुएशन इज कटिंग लाइक वर्स डे बाय डे। लड़के हैं बहुत सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, मोस्टली हीरोइन और मेडिसन्स, कुछ मेडिसन्स हैं वो ले रहे हैं। तो हमने जब देखा कि ये ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादा यूथ इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वी टेक ए इनिशिएटिव, वी स्टार्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड और पेशेंट्स आ रहे हैं, हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर के गिरदोनवा में सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई है, जबकि इनफरादी कमरे कायम किए गए हैं। इस सहूलत पर इंतहाई माहिर मौलजीन को तैनात किया गया है। यहाँ मरहलावार बुनियादों पर नशे की लत में मुब्तला नौजवान इलाज के लिए लिए जा रहे हैं। नौजवानों ने इकदाम की सराहना करते हुए कहा कि ये वक्त की अहम जरूरत है। ये सेंटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल के टाइम में, क्योंकि यूथ डे बाय डे बहुत एडिक्ट हो रहा है बहुत सारे ड्रग्स में, स्पेशली हेरोइन में बहुत सारे ड्रग्स भी है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, जैसे चरस है, और भी अल्कोहल है। कोई भी ड्रग हो अपने अपनी जगह पे जो जिसमें एडिक्ट होता है वो लेता है। ज़्यादातर अभी हेरोइन एडिक्ट ज़्यादा होते हैं, उनमें से हमारे यूथ ज़्यादातर पाए जाते हैं हेरोइन एडिक्शन में। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि ये ड्रग एडिक्शन सेंटर्स यहाँ पे होने चाहिए। इलाज व बहाली मरकज बराए मनशियात आदि अफराद में काउंसलिंग, तिबी निगहदाश्त, अपनी मदद आपकी सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं, ताकि मनशियात के इस्तेमाल से मुतासरा अफराद को सेहतियाब होने में मदद मिल सके। थोड़ी देर के बाद जब मरीज दवा को भूल जाते हैं तो डॉक्टर मुतासरा अफराद को इजाफी सरगर्मियों में शामिल करते हैं, जैसे इंडोर गेम्स, मजहबी सेशंस और दिमागी सेहत की सरगर्मियां शामिल हैं, ताकि उनकी मनशियात के इस्तेमाल से तवज्जा हटाई जा सके। 3 to 6 months का प्रोग्राम है एंड इट डज टेक टाइम टू रिकवर, बिकॉज बॉडी डैमेज हुई होती है, माइंड डैमेज हुआ होता है, थॉट्स डैमेज होते हैं, आउटर वर्ल्ड इनका डैमेज होता है। तो सब कुछ टुगेदर लाने में वक्त तो लगता है। ऐसा नहीं है कि मैजिक स्टिक है तो 2 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। पहले तो इनकी बॉडी ही जवाब देगी होती, पहले तो इनकी बॉडी को वापस रिएक्ट करने में इतना टाइम लग जाता है। सो इट डज टेक टाइम। इलाज व बहाली मरकज बराए मनशियात आदि अफराद में 30 में से 20 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हुए हैं। इस मरकज में जदीद सहूलियात दस्तियाब रखी गई है, ताकि मनशियात से मुतासरा अफराद अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकें। वादी कश्मीर में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मनशियात के रुझान में तश्वीशनाक इजाफा देखने को मिला। वादी कश्मीर में आवाम के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बुनियादी ढांचे की तरक्की की तरफ खास तवज्जो मरकूज़ की गई है। इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में एक वाटर टैंक ज़ेर तामीर है। इस ज़ख़ीरा टैंक से दर्जनों देहात मुस्तफ़ीद होंगे, जबकि मकामी लोगों ने हुकूमती इकदाम की सराहना की है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के दर्जनों देहात में पीने के पानी की कमी या किल्लत दूर करने के लिए पानी के बुनियादी ढांचे को वुसअत दी है। इसका मकसद शहरियों को पीने का साफ और ताज़ा पानी फराहम करना है। मकामी लोग हुकूमती इकदाम की सराहना कर रहे हैं। ये चकपत कम से कम 200-300 चूल्हों पर मुश्तमिल है। तो हमारी देरीना मांग थी कि हमें यहाँ पानी नहीं थी, तो अब हम शुक्रगुजार है इस गवर्नमेंट के, हमको यहाँ ये टंकी बन गई, जो इंशाअल्लाह रहमान इसी हफ्ते में, इसी महीने में या चालू हो जाएगा। तो हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के। बुनियादी ढांचे को वुसअत देने के मकसद के तहत जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के चकपत लारकीपोरा गाँव में पानी जखीरा करने की एक टैंक जेर तामीर है। इससे मुल्हिका देहातों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें गर्मियों में पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हमारी देरीना मांग जो थी वो पानी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह टैंकी बन रही है, ट्यूबवेल भी बन गया है। अब तो हमें उम्मीद है क्या ये सख्ती हमसे न रहेगी, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी पानी के लिए, पीने का पानी नहीं था हमें। हुकाम के मुताबिक पानी जखीरा टैंक जम्मू कश्मीर के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी PHE डिपार्टमेंट के जरिए तकरीबन 2.37 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है, ताकि गाँव को दरपेश मसाइल को हल किया जा सके। इसका टोटल कास्ट है 237 लाख। और ये हमने यहाँ ये इलाका था, इसमें वाटर स्केर्स एरिया है, बहुत लोगों की डिमांड थी पिछले सालों, बहुत सालों से ये डिमांड थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट होने वाली है ये OHT। इसमें ऑलमोस्ट हमने 1 महीना और लगेगा, तो ये हम कमीशन कर रहे हैं ये स्कीम। इसमें हमने एक ट्यूबवेल ऑलरेडी बनाया है, वहाँ एक्सप्लोर है, वो तैयार है, और पंप ऑपरेटर का वाटर भी कम्प्लीट है, मैकेनिकल मशीनरी भी परचेज है। विदिन 1 महीना ये OHT का डोम डालना है और ये कंप्लीट होके हम लोगों के लिए वक्फ करेंगे। हुकूमत ने गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान अवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए कई नई वाटर स्कीमें बनाई और बुनियादी ढांचे की तौसी की गई, जबकि नल से पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों की खवातीन और पढ़ी लिखी लड़कियों को बाइख्तियार बनाने की कोशिश में हुकूमत मसरूफ अमल है। इस सिलसिले में मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के जरिए उन्हें मुख्तलिफ दस्तकारी की महारतें फराहम की जा रही हैं। राजौरी में महकमा हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से खवातीन को मुख्तलिफ दस्तकारियों की तरबियत दी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के दूर दराज और कंडी इलाकों में खवातीन को बाइख्तियार करने के मकसद के तहत महकमा हैंडीक्राफ्ट्स ने मुख्तलिफ दस्तकारी हुनर सीखने के लिए तरबियती मरकज कायम किए हैं। इन तरबियती मराकज में खवातीन को कालीन बाफी और दीगर हुनर साजी की तरबियत दी जा रही है। खवातीन हुकूमती इकदाम की काफी सराहना कर रही हैं। यहाँ ये बॉर्डर एरिया, यहाँ पहले कोई सेंटर नहीं था, ये सेंटर पहली बार आया हुआ है। तो हमारे टीचर भी बहुत अच्छे हैं, ये इतने दूर से आके हमें सिखाते हैं। और यहाँ सेंटर में सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलता है, या दागे वगैरह सब कुछ मिलता है। और हम जनमाज़े, कालीने और सब कुछ यहाँ पूजा मैट सब कुछ हम बना रहे हैं। कोटली, कालाबन, राजौरी में महकमा हैंडीक्राफ्ट्स ने एक तरबियती मरकज कायम किया है, जहां पर इलाके की खवातीन हुनरसाजी की तरबियत हासिल कर रही हैं। खवातीन और पढ़ी लिखी लड़कियों का कहना है कि वो इस मरकज में तरबियत हासिल कर रही हैं, जबकि वो रोजगार से भी हम आहंग हो रही है। बहुत सारी लड़कियां पढ़ी लिखी, ग्रेजुएशन है, पर आगे नहीं पढ़ सकी, तो इसलिए ये सेंटर ज्वाइन किया, तो आगे बहुत सारा काम इसकी वजह से हम कर सकते हैं। घर में अपने छोटे छोटे सेंटर खोल सकते हैं। ये पहली बार हमारे इधर गांव में ये सेंटर आया, और हम बेरोजगार घर में बैठी हुई थी, बहुत सारी लड़कियां पढ़ी लिखी घर बैठी हुई थी, और हम इधर सेंटर में आके एक अपना रोजगार शुरू करते हैं। बेरोजगार थी, घर में बैठी हुई थी, और हमारा इधर रोजगार अच्छा चल रहा है। कोटली, कालाबन, राजौरी में पहले ये मरकज नहीं था, लेकिन खवातीन में हुनर की तरबियत हासिल करने की चाह में यहाँ ये मरकज कायम किया गया, ताकि वो बाइख्तियार बन सकें। जो हमारे एक्सटर्नल है, इनके बच्चों का उनको गवर्नमेंट तरफ से स्कॉलरशिप अब लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, तो विद इन डेज अब उनके भी हम फार्म अप्लाई करेंगे। जो इनके जैसे बच्चे जो जिस क्लास में पढ़ते हैं, उनको स्टेफन मिलेगा इनके, वो भी बेसिकली जो हमारे डिपार्टमेंट से जो एक्सटर्नल जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको मिलेगा। बाकी और इनको हम 1000 रुपया दे रहे हैं। हमारा टाइम 10 to 4 है, तो 10 to 4 तक ये लड़की बैठती हैं इधर, तो बीच में 1 घंटा ब्रेक करती हैं, घर जाती हैं, घर से वापस फिर आती हैं, दूसरा टाइम फिर बैच लगाती हैं, यहाँ काम चलाती हैं इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया और मरकजी हुकूमत ने खवातीन की बाइख्तियारी के हवाले से एक जामे पॉलिसी मुरत्तब की है, जबकि कई स्कीमें भी मुरत्तब की गई हैं। इन स्कीमों के तहत खवातीन को हुनर की तरबियत दी जा रही है, ताकि वो माशी तौर मुस्तकम या बाइख्तियार बन सकें। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में हमें आप अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।